बाबर सिंह कदम बढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सरदार खान, सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी पीटीआई, तैमूर सलीम डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी पीटीआई, परवेज भाजी, कसीर भाई, शाह साहब भाजी, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिली थी। देखें, जब हम इलेक्शन में आपके पास आए थे तो हम एक तब्दीली के नारे के साथ आए थे। इमरान खान का ये जो पिछला इलेक्शन था, ये इस मुल्क में करप्शन के जो अंबार खड़े हो गए थे और जो पहाड़ खड़े हो गए थे, उसके ऊपर हमने ये इलेक्शन लड़ा था। हमने आपसे वादा किया था कि लोगों की इज्जत नफ्स भी बाहर रहेगी, लोगों के साथ इंतकामी कार्रवाइयां नहीं होंगी, लोगों को नाजायज तंग नहीं किया जाएगा और उनके काम हम उनकी दहलीजों पर जाकर करेंगे। ये वो कंटिन्यूटी है, ये उस एतबार और उस एतमाद का जवाब है जो आप लोगों ने जनाब इमरान खान, जो हमारा कप्तान है पाकिस्तान का, उसकी टीम के ऊपर जो एतमाद आपने किया, ये उसकी टीम की तरफ से उसका इजहार है कि आज लोगों को, आज अल्लाह का शुक्र है कि मानसरा ने लोगों को दर बदर नहीं करना पड़ता। हमारे पास एजुकेशन में मसाइल थे, मेरे इस हलके की बच्चियां, जो सबसे सेंसिटिव इशू था, जहां उनको पहले ब्लैकमेल किया जाता था, बुलाया जाता था, आज अल्लाह का फजल करम है, मेरे हलके की किसी बच्ची का कोई भी प्रॉब्लम होता है, मेरा नंबर मानसरा के आरआरबी के पास है, मेरे साथ जो मेरे पीटीआई की टीम है, जो मेरे फोकल पर्सन है, उनके नंबर आरआरबी के पास है, हमें वो मैसेज करते हैं, हम उस मैसेज पे काम करते हैं। जिस हमारी बच्ची का काम होता है उसको मैसेज के जरिए उसके भाई, उसके बेटे, उसके बाप के जरिए उसको मुतल कर दिया जाता है कि ये बीबी आपका काम पाया तक मील तक पहुंच चुका है। हम इस तब्दीली के लिए आपके पास आए थे। तरक्याती कामों की जहां तक बात है जी, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह कि इलेक्शन में मैंने लोगों के साथ कमिटमेंट की थी कि मैं पानी के मसले को एड्रेस करूंगा, और मुझे अगर जीत कर 100% पैसा भी पानी के ऊपर लगाना पड़ा तो मैं कोई और काम नहीं करूंगा। मैं जनाब इमरान खान का मशकूर हूं, जनाब महमूद खान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मशकूर हूं, मैं अपने भाई जनाब अकबर खान अकबर अयूब खान का मशकूर हूं, मैं जनाब मुश्ताक अहमद गनी का मशकूर हूं, मैं जनाब रियाज खान का मशकूर हूं। ये वो मेरे भाई और मेरे दोस्त और मेरा ग्रुप है कि जिन्होंने मुझे मानसरा के लिए पानी की 6.5 अरब रुपए की मेगा स्कीम भी दी। मेरे जो इस डैम का काम रुका हुआ था उसके लिए भी 2.5 अरब रुपए मुझे दिए उन्होंने। मुझे मानसरा में जो हमारे सियाह आते थे, जो हमारे बच्चियां आती थी, खवातीन आती थी, जिनको पैदल शाही से मानसरा तक आधा घंटा लग जाता था, 20 मिनट लग जाते थे, मुझे 1.7 करोड़ रुपया उसके लिए दिया। मुझे दाता बाईपास, जिसका बहुत पुराना वादा था, जब मियां साहब पहली दफा दौर इख्तदार में आए थे उस वक्त ये कहानी शुरू हुई थी, तो मुझे मेरे सीएम ने 2.25 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट आपके लिए दिया। और ये याद रखें कि सबसे ज्यादा जो इससे इस्तेफादा कर रहा है वो यूनियन काउंसिल दाता है, और फिर यूनियन काउंसिल मानसरा दे सफेदा का इलाका और नीचे को कैप भी जाता है। आपकी इस यूनियन काउंसिल में तकरीबन हमने 2.5 अरब रुपए के काम किए। हमने बुजिया रोड भी डाली, 30 साल उनसे वोट लेते रहे, उनको रोड नहीं देते। हमने डिटेल में नहीं जाता, ये सारी डिटेल, ये तफसील मेरे पास लिखी हुई है जो इस यूनियन काउंसिल में हमने काम किए। ये आपका हक था, इसके लिए शुक्रिया के मुस्तहिक आप लोग हैं।
कि आपने इमरान खान की टीम पे उस वक्त एतमाद किया और उसे वोट दिया। ये किसका पैसा है? ये आपका पैसा है जो आपसे टैक्सेस के जरिए गवर्नमेंट लेती है और फिर वो मुख्तलिफ महकमों के जरिए रिवॉल्व होके आपके मुंतखब नुमाइंदों के जरिए यहां तक पहुंचता है। आप असल में शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि आपने एक अच्छी टीम को मुंतखब किया जिसके नतीजे में ये सारे काम यहां पे शुरू हुए। कसीर कनौली का गिला बजा है, कसीर हमारा भाई है, आज इससे बेहतरी मुख मुका करते हैं। एसडीओ साहब बैठे हुए हैं, पानी की एक स्कीम वो 1.5 करोड़ रुपए की हो, 2 करोड़ रुपए की हो, मगर कसीर कनौली साहब इसको ग्राउंड पे आते आते 5 से 6 महीने लगेंगे एटलीस्ट। ठीक है, ये एसडीओ साहब बैठे हैं, इस पे वो पीसी वन बना लें, उसको मैं इस बजट के पैसों में जो है ना वो इनको देता हूँ। कसीर कनौली का एक पुल था जो खुशाला और अड़ियाला के दरमियान है, जो टूट चुका है, जिसकी वजह से आबादी को ये कसीर कनौली साहब का पहले हमसे ये मुतालबा था। तो कसीर कनौली साहब मुझे अभी बताएं इस पुल के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? आप 25 लाख कहते हैं, सुने जी 25 लाख नहीं, 30 लाख रुपए इंशाल्लाह इसी महीने में उसके टेंडर हो जाएंगे। और कोई अच्छा, इस तरह है कसीर कनौली साहब, आपकी रोड मैंने डाली हुई है 2 किलोमीटर, वो मुझे उम्मीद है कि इस बजट में वो अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, अगर वो इस बजट में किसी वजह से ड्रॉप हो जाती है तो आपको मैं 2 किलोमीटर रोड इस अगले पूरे साल में, ये नहीं है कि 2-4 महीने आप मेरे ऊपर बाइंडिंग कर दें, इस अगले साल में इंशाल्लाह ताला मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा जी। जहाँ तक चक्या के शोल्डर्स की बात है परवेश भाजी, इसके लिए हमने पैसे रख दिए, बस मेरा ख्याल हरियाले के लिए इतना काफी है कि तालियां बजा दें ताकि ये खुश हो जाए। देखिए, ये आपका पैसा है, मैं हमेशा इस बात पे हैरान होता हूँ। इस वक्त जो है पाकिस्तान फाइनेंशियल क्रंच का शिकार है, पाकिस्तान में इक्तिसादी बहरान का शिकार है पाकिस्तान। मैं वजीर भी नहीं हूं, 2 बड़े आदमी मेरी मुखालफत में हर जगह कमर बस्ता होते हैं और मेरे सीएम समेत हर आदमी के जिरके करते हैं। उसके बावजूद अगर मैं इस पीके 31 के लिए अब तक मेरी बुक्स में है 14.5 अरब रुपए ले आया हूं, तो ये पहले लोग क्या करते थे? मैं हैरान हूं इस बात पर, खुदा को अगर ये फाइनेंशियल क्रंच ना होता और ये 2 मनहूस शख्सियात होती तो शायद इससे डबल पैसे में मंजरा के लिए ले आता। इंशाल्लाह आगे मैं कोशिश करूंगा कि मजीद बेहतरी की चीजें लाऊं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपके शोल्डर हो जाएंगे जी, और कोई चीज है मुझे बताएं ताकि मैं अभी आपके साथ कमिटमेंट करूँ। अच्छा, इस तरह है जी, डिस्पेंसरी पैसों से बनती है। मैं कल DHO, आप आ जाएं कल, मैं DHO साहब को बुला लूंगा या परसों, तैमूर सलीम इधर बैठे हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, ये DHO साहब को बुला लेंगे। जितनी डिस्पेंसरी की जमीन की रिक्वायरमेंट है, 4 कनाल है, ये 5 कनाल है, ये आप लोग दें। ठीक है, उसके लिए जितने पैसे आप उसके तामीर पे लगते हैं, 5 करोड़ लगते हैं, 7 करोड़ लगते हैं, मैं इसी बजट में वो पैसे आपके लिए डाल दूंगा। अगर आप जमीन नहीं देंगे तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं फिर जमीन खरीद के आपके लिए डिस्पेंसरी बनाऊं, ये आपने जहन में रखना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त काम शुरू किए, सेहत इंसाफ कार्ड इस पूरे खत्ते में और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा,
पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर हुकूमत की तरफ से आपको हेल्थ इंश्योरेंस की गई हो। केपी बैठ चुका था पूरी दुनिया में, जिसने जनाब महमूद खान की क्यादत में आप में से हर आदमी की, अगर वो मजदूर है तब उसकी, और अगर वो कोई भी आदमी उसकी जेब में 10 लाख रुपए उसके शनाख्ती कार्ड में डाल दिए। हम सारे इस माशरे के लोग हैं, ये बच्चे मेरे सामने खड़े हैं। सबसे ज्यादा खर्चा आम आदमी का सेहत के ऊपर होता था। मैं बाजार के बीच में बैठता हूं, मैं दिन को हालात देखता था कि लोग बेचारे, जिनके बच्चे, जिनकी बच्चियां, जिनकी बीवियां, जिनकी माएं, जिनकी बहनें अस्पताल में पड़े होते थे और वो लोगों से पैसे मांग रहे होते थे। जिस किसी के पास भैंस होती थी वो भैंस बेच देता था, कोई जमीन बेचने के चक्कर में होता था। आज अल्लाह का शुक्र है कि इस मेरे सूबे के अंदर जनाब इमरान खान की मेहरबानी से, जनाब महमूद खान की मेहरबानी से, मेरे किसी आदमी को अपने इलाज के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का मैं ये समझता हूं बहुत बड़ा एहसान है। आज हर आदमी की जेब में कार्ड है, उसका शनाख्ती कार्ड, ये भी नहीं कि उसको कोई कार्ड दिया हुआ जिसके ऊपर इमरान का बोली पड़ा हुआ नहीं। जब इमरान खान रियासत मदीना की बात करता था तो यही रियासत मदीना थी जहां आप लोगों की इज्जत नफ्स को ऊपर उठाते थे। किसी एक मजदूर जो 800 रुपए दिहाड़ी लेते काम करता है, जब उसकी बच्ची या बच्चा बीमार होता है तो वो कहां से लाए पैसे? लाजमी बात है उसने कभी एक के आगे हाथ फैलाने, कभी दूसरे के आगे, किसी ने उसे दुत्कारने और किसी ने उसको कुछ दे देने। आज मेरे सूबे के लोगों को, लोगों के आगे अपनी और अपने घर वालों की सेहत के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अल्लाह के फजल करम से इमरान खान ने और महमूद खान ने ये बात आपके साथ पूरा किया है और अब ये पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला ये फैलेगा। पहली दफा अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में जो उसकी जनरल असेंबली में जब इमरान खान खिताब करने के लिए जाता है तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू होती है और खातमुन नबीन पे उसकी बात खत्म होती है। ये से पहले कभी नहीं हुआ है। ये पहली मरतबा है दुनिया की तारीख में कि जब से जालिम इसराइल बना वो हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों को शहीद करता रहा, उन पे बेजा जुल्म करता रहा। ये पहली दफा है कि हमारा वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जब फोरम पे खड़ा होता है तो वो हमें कौम मुत्तहिदा को कहते हैं कि आप फेल अदा रहे हैं, आप फेल हो चुके हैं, आप मखसूस लोगों के मददगार हैं, आप फलस्तीनी आवाम पे होते हुए जुल्म को रोकने में नाकाम हो चुके हैं, आप एक नाकाम अदारा हैं, और अगर आप वहां अपनी फौजें नहीं उतारेंगे तो हम वो लोग जो फलस्तीन से उस अर्ज फलस्तीन से मोहब्बत रखने वाले हैं तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम वहां अपनी फौजें उतारें। फिर आप क्या देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की उस तकरीर के बाद 4 घंटों के अंदर सीज फायर हो जाता है और इसको खोलता कौन है? फिर कतर का शहजादा जब टीवी को इंटरव्यू देता है तो कहते हैं कि अगर अमेरिका इसराइल को यह ना बताता कि पाकिस्तान और तुर्की के त्यारे उस रात उस पर हमला करने वाले थे तो ये सीज फायर कभी ना होता और हमारी फलस्तीनी बहन भाइयों और बच्चों की जिंदगियां फिर उसी तरह गैर महफूज होती। ये मेरे दोस्तों और भाइयों ये समझने की बातें हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने उम्मत मुसलमान को लीड करना है और मैं बड़े बसूख से कहता हूं कि इमरान खान वो आदमी है कि जिसने उम्मत मुसलमान को और पाकिस्तान दोनों को लीड करना है। आपको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि जब हम खत्म नबूवत का नारा लगाते हैं तो वो काम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में गूंजता है। हम कश्मीर की बात करते हैं अपने बहन भाइयों की
तो वो काम हम होते थे कि जनरल असेंबली में फिर खान कहते हैं कि हम आखिरी गोली और आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे, हम किसी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। या हम किसको कह रहे हैं? ये हम अपने पड़ोसी इंडिया को कह रहे हैं और पूरी दुनिया के लोगों को कह रहे हैं। ये वो जरूरतमंद की आदत थी जिसकी हम बात करते थे। आपने बड़ी तवज्जो से मेरी बातें सुनी, चूंकि बड़े अच्छे बाद इलेक्शन के बाद ये पहला मौका था। आज हम अच्छा प्रोग्राम, पहले हमारा प्रोग्राम था, फिर हमारे अजीज दोस्त भाई सहाफी अदीब कालम निगार शायर समाजी शख्सियत सियासी शख्सियत और एक ऐसा आदमी जिसको अल्लाह ने उसकी जात के अंदर एक एतदाल दिया था, वो हमसे कल बिछड़ गया, जो हमारी पार्टी के तहसील सदर भी थे और हमारे भाई थे, हमारे दरीना साथी थे। कल उनकी वफात की वजह से हम बड़े अफसरदा थे। अल्लाह उनके लिए वो जहाँ बेहतर करे। ये जितनी मैंने खूबियाँ मुश्ताक खटाना की गिनवाई हैं, ये आप पूरे मंसरफ ऐसे नज़र मार के देख लें, किसी एक आदमी के अंदर ये खूबियाँ आपको नहीं मिलेंगी कि वो इतनी हमजद शख्सियत की हो और उसकी ज़ात के अंदर एक एतदाल भी हो। तो उनके अल्लाह वहाँ दराजात बुलंद फरमाए, उसके बच्चों को, उसके घर वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए और उसके बच्चों को अल्लाह उन खूबियों से नवाजे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब खटाना को दी थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। परवेज भाजी आपका भी शुक्रिया। ठीक है, ये कुछ अभी टेंडर आपके होने वाले हैं। तो उसके अलावा 20 लाख रुपये जो है ना वो इसी PFC में जो मैं इस महीने दे रहा हूँ, तो उसमें आपके लिए हम आपकी जहाँ आबादी की ज़रूरत है उसके मुताबिक डाल देते हैं। अल्लाह आप सबका आमी व नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाइंदाबाद।